आप सभी को नमस्ते. आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट दिस वन, लिटरली आई डोंट नो, बट आई हैव टू. रैंडमली मैंने उठाया है कैमरा एंड आई थॉट कि आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँ. हालांकि मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट की थी तब आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इंस्टाग्राम पे और सबको इंडिविजुअली रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं था. फ़ोन तो हाथ में ही था 24 घंटे, बट सोशल मीडिया नहीं कुछ भी हो रहा था. घर पे बस बात, कभी इससे बात कभी उससे बात, यही चल रहा था. तो फिर भी मैंने उस पर यूट्यूब कम्युनिटी पे डाला था, बट आई थिंक वो भी कुछ लोगों ने देखा कुछ ने नहीं देखा. उसके बाद भी मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे, तो यही था कि चलो इन्फॉर्म करूं, पर हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे कैमरा फेस करूं, कैसे मैं इस चीज़ के बारे में आप लोगों को बताऊं. पर वही है कि कभी कभी ना स्ट्रॉन्ग बनते बनते आप थक जाते हो. You don't want to be that strong all the time. पर घूम फिर के फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता है. तो लास्ट वीडियो मेरी गई थी आई थिंक 15th February या 16th February को गई थी. आई एम नॉट 100% श्योर, आई डिडंट चेक येट. तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो वीडियो थी उससे पहले वाले संडे की. तो हम लोग सोनाली मेरी फ्रेंड उसके यहाँ पे गए थे और उसी दिन का वो व्लॉग था. उस वीडियो में फिर मैंने आपको बताया था कि संडे को ऐसे ऐसे पापा की तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी. पापा मेरे फादर इन लॉ, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी. उनको पहले शामली लेके गए, उसके बाद फिर उनको पानीपत लेकर गए, रेफर किया वहाँ पे. तो वो सारी बातें मैंने लास्ट व्लॉग में बताई थी. तो ठीक ही चल रहा था सब, यू नो, आ रही था वहाँ पे पापा के साथ हॉस्पिटल में, जो मेरे जेठ का बड़ा बेटा है और मेरे जेठ थे वहाँ पे. तो फ़ोन का ही सहारा है, फ़ोन पे हम बात करते रहते थे. तो इम्प्रूवमेंट सब चल रहा था. उनको लंग में इन्फेक्शन आया था, ऑक्सीजन लेवल भी उनका फ्लक्चुएट तो हो रहा था, बट इट वॉज ऑन लाइक ऑन लिमिट कि हाँ वो ठीक कैटेगरी में था, बट हाँ वो फ्लक्चुएट होता था, कभी ज़्यादा कभी कम हो जाता था. और जो लंग इन्फेक्शन था उसके भी कुछ काउंट्स होते हैं, तो वो भी इम्प्रूव कर रहा था, बट हाँ जितना रैपिडली करना चाहिए था उतना नहीं हो रहा था. बट वो यही था क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा हेल्दी तो थे नहीं, लाइक वेट नहीं था उनमें कुछ ज़्यादा, तो ऑब्वियसली उस वो फैक्टर भी मैटर करता है. तो वो ये था कि उनकी जो रिकवरी है वो स्लो प्रोसेस था, बट स्टिल वी वर होपफुल कि ठीक ही चल रहा है. फिर एक बार को ये भी आया कि पानीपत से पापा को हम लोग मेरठ ले आते हैं, तो जो फूफा जी हैं, मेरे फूफा ससुर विकास के फूफा जी, वो और उनका छोटा बेटा मेरा देवर रॉबिन भैया, फूफा जी और रॉबिन भैया, ये लोग गए पानीपत. हमने उनसे कहा कि एक बार जाओ देख कर आओ, कुछ भी लगे कि ट्रीटमेंट सही नहीं हो रहा है उनको मेरठ ले आओ. मेरठ फिर भी हम लोगों के रीच में है, जाना पहचाना जो ना, पानीपत यू नो बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया ना, तो कोई आसपास जानने वाला वहाँ पे कुछ भी नहीं ना. आ रही और भैया वहाँ पे थे तो उनको कोई खाना देने का कुछ भी नहीं था. मेरठ लाइक मेरी दीदी भी है मेरठ में, विकास की दो मौसी हैं वहाँ पे, मेरी मौसी सास विकास की सबसे छोटी वाली मामी भी है, हमारा फ्रेंड सर्किल भी है वहाँ पे. तो और डॉक्टर्स जाने पहचाने, हॉस्पिटल्स जाने पहचाने, मेरे मम्मी पापा का इलाज दोनों का वहीं पे ही चला. इवन तो पापा जब फादर इन लॉ पहले भी बीमार हुए थे एक बार, तो भी वो मेरठ ही एडमिट रहे थे, रिकवर होके वो सही घर आ गए थे. मेरी मदर इन लॉ एक बार बीमार हुई थी, वो भी मेरठ ही रही थी. तो वही फूफा जी और रॉबिन भैया को भी हमने वहाँ भेजा कि आप देख कर आओ एक बार. तो वो लोग गए वहाँ पे, उनसे बात करी और उन्होंने हमें इतना श्योर कर दिया कि सब बिल्कुल ठीक है, सही बात कर रहे हैं, सब कुछ सही है. तो हम और निश्चिंत हो गए कि चलो ठीक है. और नेक्स्ट डे उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे पापा की जो है वो
छुट्टी भी हो जाएगी, वहाँ से डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो हमें लगा कि चलो सारी चीज़ें ठीक है, और उस सिनेरियो को देखते हुए सब कुछ ठीक लग भी रहा था। पापा डिस्चार्ज हो गया है, जो भी डॉक्टर ने कहा कि आप ये एपरेटस ले जाओ, ये ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाओ, ये वो जो कुछ भी उन्होंने कहा, हमने सारी चीज़ें ली। बकायदा एम्बुलेंस में सारी चीज़ों के साथ पापा को लेकर आए। ही के माँ वो बात इतना नहीं कर रहे थे, शगुन वहीं पे थी, बट ही वॉज फाइन। इवन दो नेक्स्ट डे सुबह तक भी शगुन ने जब बताया कि उनका जो है वो ऑक्सीजन लेवल भी नॉर्मल था, बट सडनली ही गॉट फेंटेड एंड ही लेफ्ट अस। तो जिस दिन जब वो घर आए डिस्चार्ज होके, बात करी, सब कुछ हुआ, लाइक पापा से तो बात हो नहीं पाई, वो तो नहीं कर रहे थे बात, बट सारी चीज़ें देखते हुए हम आराम से यहाँ पे थे कि चलो पापा घर आ गए, सब सही है, सब सही बता रहे थे। ज़रूरत पड़ी तो सारी चीज़ें हैं घर में, उनको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। बट नहीं, 17 फरवरी सुबह पापा चले गए। इट वॉज सो सडन, यू नो, कहीं से कहीं तक ख्यालों में भी नहीं था कि पापा ऐसे छोड़ के चले जाएंगे। नो, कहीं से कहीं तक नहीं था। ठीक है, बीमार पहले भी हुए, ठीक होके आ जाते, बस यही मलाल मन में है कि अगर पापा मेरठ चले जाते उस दिन, जब यू नो पूरा दिन हम उस संडे आर्य के साथ कांटेक्ट में थे, अब ये कर रहे हैं डॉक्टर, अब वो कर रहे हैं डॉक्टर, बट जब डॉक्टर ने पानीपत के लिए रेफर किया उस टाइम आर्य ने हमें नहीं बताया, वो जो वो हाफ एन आवर की विंडो रही ना, तो इन लोगों ने पानीपत पहुंच के, अगर उस टाइम पे भी पता लगता था तो शायद हम यही कहते कि मेरठ ले आओ, पानीपत ना लेके जाओ। बट बस वही है कि बहाने बन जाते हैं, जो चीज़ जैसे जैसे होनी होती है वो वैसे वैसे ही होती है। तो यस, 17 फैब सुबह को हम तो सो गए थे, खैर 16 की रात को, 16 में आए थे पापा घर, तो हम सो गए थे। 17 को हम लोग सुबह, क्योंकि वीकेंड था सैटरडे, हम लोग थे कि अलार्म वलार्म कुछ नहीं था कि चलो आराम से उठ जाएंगे, बट फोन बजा, आई एम नॉट श्योर कि क्या टाइम हो रहा था, 5 साढ़े 5 शायद कुछ ऐसे बज रहे होंगे, नॉट श्योर, अभी भी ध्यान नहीं। तो फ़ोन था अमृता दीदी का, मेरी नंद का, तो विकास के फ़ोन पे आया, विकास ने फ़ोन उठाया एंड शी सेड समथिंग इन वेरी लाउड वॉइस, जैसे ना चिल्लाते हैं इस तरह से, मुझे वो समझ में नहीं आया और मैं आज तक पूछा भी नहीं विकास से कि क्या कहा था दीदी ने। बस मुझे ये तो है कि वो फ़ोन पे तो कुछ चीखने की आवाज़ मुझे आई है, बट क्या था। तो विकास एकदम से नीचे आया, तो मैं भी फटाफट उनके पीछे आई, मैं कहा हुआ क्या। उसी बीच में शगुन का फ़ोन आ गया इनके पास, बट दीदी से कुछ बात हो रही थी, फिर फ़ोन कट किया, फिर शगुन को वापस कॉल किया, देन वी केम टू नो के ऐसे ऐसे अभी 10 मिनट पहले पापा चले गए। तो वी वर ब्लैंक कि कल शाम हम लोग कैसे निश्चिंत हो गए कि चलो अब पापा घर आ गए, घर में अपनों के साथ बैठेंगे। वहाँ आईसीयू में वो परेशान हो रहे थे क्योंकि अंदर भी किसी को जाने नहीं देते थे, ऐसे ही बैठे हुए थे वो। तो ये था कि चलो घर आ गए, अपने घर में, अपने कमरे में, अपनी माँ को देखेंगे, बच्चों को देखेंगे, तो ही विल रिकवर फास्ट। कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। सो यस, तो ये हुआ कि पापा नहीं रहे। विद इन अ वीक हमारी जो दुनिया है वो बहुत उथल पुथल हो गई। फिर जो इंडिया, ऑब्वियसली इंडिया जाना था, विकास निकले तभी जो भी अर्लीस्ट फ्लाइट मिली ही वेंट। आई कुडंट गो, आई वॉन्टेड बट आई कुडंट। एक तो बच्चों का वीजा नहीं था, OCI नहीं हमारे बच्चों के पास, तो वीजा नहीं था। और वीजा का भी देखो, मतलब भगवान ऐसे वो करता है, बिल्कुल नेक टू नेक, जो हमने जब हम लास्ट ईयर इंडिया गए थे, साल भर का इनका वीजा लगवाया था हमने, 23 फरवरी को खत्म हो रहा था भी नहीं, कुछ नहीं था जाने का। तो विकास जितना जल्दी यहाँ से निकल पाए ही लेफ्ट,
हालांकि वो पहुंचे दाह संस्कार कर चुके थे, पर ये था कि जो तीसरे दिन फूल चुगना होता है, जिस दिन अस्थियाँ कलेक्ट की जाती हैं, विसर्जन होता है, तो वो सब फिर विकास के सामने हुआ। और सैटरडे को गए पापा, कमिंग जो फ्राइडे था, जो भी गया है उसको पापा की थेरेपी थी, 7 दिन की थेरेपी करती है। तो यस, विकास अभी भी घर पे ही, इंडिया में ही है, तो वो कल निकलेंगे शायद। हाँ कल निकलेंगे वो वहाँ से। तो ये हुआ है, विकास तो चले गए। आई वॉज लाइक ऑल अलोन हियर, मैं क्या करूँ? मेरी मदर इन लॉ इतनी स्ट्रांग, नियम से मुझे कॉल करके सुबह शाम कि बेटा हमारे पास तो यहाँ सब हैं, कोई मोहल्ले का है, कोई रिश्तेदार आ रहा है, बात कर रहे हैं, तू पागल मत बनी हो, तू अकेली है, मैं तुझे बच्चों को भी देखना है। एंड इट्स सो हार्ड। विकास पहले भी इस तरह से, उनकी ट्रिप लगती रहती है, महीने में एक दो ट्रिप ऐसे बाहर जाते हैं, हफ्ते हफ्ते भर के लिए भी बाहर गए हैं, बट दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। ये टाइम इज जस्ट किलिंग, यू नो। ईवी छोटी है, ईवी इतनी क्रैंकी शुरू के 2-3 दिन है जब विकास गए, आई थिंक बच्चे सेंस भी करते हैं कि उनके घर में सब परेशान हैं, वो रो रहे हैं, शी वाज सो क्रैंकी, बार बार एटिक में जाए, डैडी डैडी, उसको डैडी नहीं मिल रहा। अद्वी समझती है सारी बातें, शी वाज, जब उसे पता लगा, शॉक्ड, शी क्राइड, उसके बाद वो थोड़ी स्टेबल थी, बट वेन आई वॉज टॉकिंग ऑन फोन, शगुन रो रही है, देन अद्वी कूडेंट कंट्रोल, फिर उसको भी संभालो। सैटरडे तो विकास निकल ही गए, संडे फिर भी थोड़ा मैनेजेबल था मेरे लिए क्योंकि अदवी मेरे साथ थी। मंडे जब अदवी स्कूल गई, आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, इट्स सो टफ। तो फोन पे ही सबसे बातें हो रही हैं, वही है कि वहां पे सब थे एक दूसरे के साथ, यहाँ मैं खुद ही रो लो, खुद ही अपने आप को चुप कर लो, बच्चों को भी देखना है, टाइम से उन्हें खाना बना के भी देना है, जॉब भी करनी है, सब कुछ करना है। सो इट वॉज रियली हार्ड। ऐसा नहीं कि मैं पहले अकेली नहीं रही बच्चों के साथ, बट सिचुएशन मैटर अ लॉट, अ लॉट। बट कोई भी बड़ा छोटा, कोई भी, अगर कोई भी स्मोक करता है, ड्रिंक करता है, लीव इट, लीव इट। ये कुछ है ही नहीं है, जाने वाला चला जाता है, ठीक है, वो तो मुक्त हो जाता है अपनी जिम्मेदारियों से, दुनिया भर के कष्ट से, वो तो मुक्त हो जाता है। पीछे रह जाते हैं हम, परिवार वाले, रोते, बिलखते, तड़पते, ये सोचते कि आगे अब घर कैसे चलेगा। पापा थे तो हमें बहुत सपोर्ट था कि ठीक है, पापा वहाँ पे देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। अब भी फील लाइक के ओ माय गॉड, अब कैसे होगा? कहने को तो जेठ है मेरे, बड़े भाई हैं विकास के, बट पेरेंट्स आर पेरेंट्स। तो बहुत टफ सिचुएशन है। मेरी मदर इन लॉ फिर भी बहुत स्ट्रोंग हो रही हैं, मेरी दादी सास, उनको देखो, शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी। उन्होंने कितना दुख देख लिया अपनी लाइफ में, शी हैड 3 सन, सबसे बड़े वाले, उनका तो खैर हमने सुना ही है, विकास ने भी सुना ही है, तब तक पापा मम्मी की भी शादी नहीं हुई थी, ही वॉज अराउंड आई थिंक 13 और 14 ईयर्स ओल्ड, तो कुछ बीमारी हुई थी एंड ही पास्ड अवे। तो उन्होंने उस बच्चे का देखा, उसके बाद फिर जो चाचा जी हमारे, मेरे चाचा ससुर सगे, वो जिस साल अदवी अदवी फैब में हुई, और मई अर्ली लाइक 5-6 मई को, अदवी 15 फैब को हुई, 5-6 मई को मेरे चाचा ससुर वो चले गए, उनका हार्ट फेल हुआ। दूसरा बेटा गया मेरी दादी सास का, और काइंड ऑफ मेरा अर्ली टाइम ही था, जहाँ पे कई टाइम चल रहा था, वो रो रो के हमारी हालत बुरी हो गई। फिर
तो दो बेटे चले गए और अब पापा भी चले गए, तो उन्होंने अपने तीन बेटे अपने सामने जाते हुए देख लिए। बाबा जी भी चले गए बीच में, तो उन्होंने पति का दुख भी देखा, बेटों का भी देखा। उधर बुआ जी भी इतनी बीमार चल रही है, जो मेरी बुआ सास है, तो बहुत बहुत टफ सिचुएशन चल रही है। पापा थे, हमें बहुत सहारा था कि चलो हम यहाँ से सब कुछ कर रहे हैं। जब मैं इंडिया गई थी, आप में से कुछ लोग बोलते हैं ना कि दीपिका घर ऐसा है, घर में कुछ करवा लो। घर में बहुत काम कराया हमने, बहुत कराया है, पर कुछ ऐसी सिचुएशन रही है वहां पे कि कई बार जिस काम के लिए पैसा दिया गया वो उस काम में नहीं लगा। होता है ना कई बार घर में कोई एक जो बहुत कुछ उल्टा सीधा कर देता है। अगर मैं आपको बैंक ट्रांजेक्शन्स दिखाऊं तो आपको चक्कर आ जाएंगे कि पिछले 10 साल में कितना पैसा गया, बट वही है कि वो सही काम में लग नहीं पाया। तो अब पापा नहीं है, लाइक कैस, मतलब मुझे तो यही घबराहट हो रही है, हम कैसे सब कुछ करेंगे इन उन बच्चों के लिए। पापा ने इतना किया मेरे जेठ के बच्चों के लिए, 4-5 सालों और वो कामयाब हो जाते, उनको देख लेते, उनकी शादी ब्याह देख लेते। अब यही लगता है हम कैसे अकेले सब कुछ करेंगे। बड़ा होता है साथ तो बहुत हिम्मत बनती है। जब 2011 की बात है, हम 2011 में आए थे यहाँ पे, और 2020 में हमने गाड़ी ली अपनी पहली। हमें 9 साल लग गए अपनी लाइफ की पहली गाड़ी, वो भी सेकंड हैंड ली थी। किस लिए? नहीं तो लोग आते हैं साल भर में, 2 साल में गाड़ी ले लेते हैं, घर भी ले लेते हैं कुछ तो, पर वही है कि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में हमारी फैमिली, हमारा परिवार पहले था, तो हमें वहां का बहुत कुछ देखना है। तो कई बार बहुत से लोग आके बहुत हार्शली लिख देते हैं, ये वहां ऐसा है, वहां वैसा। यू डोंट नो द स्टोरी, यू डोंट नो बिहाइंड द सीन कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। आपको कुछ नहीं पता है, जो झेलता है बस उसको पता है। हम जानते हैं, मम पापा परिवार वाले, कुछ खास रिश्तेदार, वो जानते हैं कि किस चीज से गए। 2011 में मेरी जिठानी भी गई थी, जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ, आई केम टू नो आई एम प्रेग्नेंट। बट वो घड़ी ऐसी थी कि किसी को हम बता नहीं सकते थे। वो भी रही हॉस्पिटल में 10-12 दिन, तो बट शी वॉज नो मोर एज वेल। तो जब वो आई फिर ये लगा कि फिर बता देंगे घर वालों को, थोड़ा सा सेटल हो जाए। पर 3-4 दिन बाद आई एम मिस कैरिड। उस टाइम पे भी वही रोना धोना, मतलब दो दो बार तो ऐसा ही हो गया कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ की बात क्या कर रही हूँ क्या नहीं। आई एम सो कन्फ्यूज, आई एम सो पजल्ड, आई एम सो हार्ट ब्रोकन, आई डोंट नो वॉट टू से। बस यही है कि थिंग्स आर नॉट स्मूथ, बट वी हैव टू बी स्ट्रोंग। सो यस, दिस इज द अपडेट। पापा नहीं रहे, फ्रेंड्स का काफी सपोर्ट रहा इस टाइम पे, जिसको भी पता लगा उन्होंने मैसेज किया। आप लोग भी इंस्टाग्राम पे इतना मुझसे पूछ रहे थे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो ये कंसर्न आप लोग दिखाते हो, दैट मैटर्स अ लॉट। मेरे कुछ फेलो यूट्यूबर्स, उनका भी मेरे पास मैसेज आया, जिनका मुझे कहीं से कहीं तक अंदाजा नहीं था कि वो भी मुझे जानते हैं या मेरी वीडियो देखते हैं। ऑन दी अदर एंड देयर वर फ्यू जिनके साथ था कि हर रेगुलर बात होती, उनमें से किसी का कोई मैसेज तक भी नहीं आया। तो समटाइम यू नो आपको एक रियलिटी चेक भी मिलता है कि कितना लोग केयर करते हैं, कौन केयर करता है। आकांक्षा मेरी फ्रेंड, वो यही लोकल में रहती है, उसको जैसे ही पता लगा शी केम सेम डे। उसके बाद भी ग्रोसरीज वगैरह के लिए भी वो और बेन, दे आर हेल्पिंग अ लॉट। के जब भी वो लोग अपना कुछ सामान ले जाते हैं, दीपिका कुछ चाहिए तो नहीं, हम घर ड्रॉप कर जाएंगे। अद्वी का भी रेजिडेंशियल है, तो उसके लिए कुछ सामान आना था, तो एवरी थिंग दे आर डूइंग फॉर मी। प्रीति है मेरी फ्रेंड, उसका चैनल भी है यूट्यूब पे, यू नो नॉरिच में रहती है वो,
तो उसका भी मैसेज आया, उसने कहा कि हम आ रहे हैं मिलने के लिए। तो फिर ये उसको मना किया मैंने, कि आई थिंक उसको बुरा भी लगा उस चीज़ का कि मैंने मना किया। मैंने ये कहा कि अभी रुक जाओ, विकास आ जाए तब आ जाना, मैं सारा इंतज़ाम नहीं कर पाऊँगी। अब प्रीति इज़ नॉट लाइक कि वो यहीं इसी सिटी में रह रही है कि आएगी 2 घंटा रुकेगी चली जाएगी। ठीक है, शी विल कम शी विल स्टे, और मैं ऐसे जाने भी नहीं दूंगी कि वो भागी भागी आए और भागी भागी चली जाए। बट वो टाइम ऐसा है ना 13वीं तक का, कि बहुत सारे नियम कायदे हैं हमारे यहाँ। मेरी ससुराल में बिना घी की रोटी खाई जानी है, लाइक फ्राइड राइड तो बनना ही नहीं, परांठा वरांठा तो छोड़ ही दो, वो तो होना ही नहीं। सूखी रोटी खानी है, बिना तड़के का खाना बनना है, सफाई नहीं होनी है, सर नहीं धुलना है, नीचे बैठना है, बहुत कुछ है। तो मैं अपने बच्चों को मुश्किल से कंट्रोल कर पा रही हूँ। ठीक है, मैं इंडिया में नहीं थी, बट जितने नियम मुझसे यहाँ फॉलो हो पाए मैंने वो सारे किए। पापा सुख शांति से जाएं। और हालांकि जिस दिन मैंने प्रीति को मना करा, उस दिन पता भी नहीं था कि पापा की 13वीं फ्राइडे को होगी। दिन में बात हुई थी घर, ये था कि फ्राइडे की हो सकती है, पर पंडित शाम को आएगा तब वो बताएंगे, क्योंकि या तो फ्राइडे को होती, सैटरडे को होती नहीं है 13वीं, फिर या फिर संडे को होगी। तो जब मैंने प्रीति को बताया तब तक पता भी था, नहीं तो मैं उनको सैटरडे फिर आने देती, क्योंकि फिर तो नियम वगैरह सब वो हो ही जाते हैं। बट स्टिल बिना विकास के बहुत ही घर पे आते छोटे बच्चे हैं उसके, दो ईवी के साथ के ही ट्विंस हैं उसके। बड़े बच्चों को फिर भी समझा दो, छोटे बच्चों को कैसे करोगे तुम टीवी ना देखो। मैं अपने बच्चों को कैसे कर रही हूँ कि टीवी नहीं चलाना है, कुछ नहीं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत नियम कायदे होते हैं। तो बट वही है कि मेरा अपना रीजन था उसको मना करने का। खैर, बट फिर भी फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया, हिम्मत बंधाई और थोड़ा नॉर्मल रहने में कोशिश भी करी है। रिगार्डिंग टू वर्क, लाइक ऑफिस का काम तो मैं उसी दिन से कर रही हूँ, पर ना मेरी कंसंट्रेशन कम है क्योंकि मेरा पढ़ाई का काम बहुत ज़्यादा रहता है। तो पर मैं कर रही हूँ ऑफिस का, मैंने छुट्टी नहीं ली थी, एक दिन ली थी आई थिंक, हाँ ट्यूसडे की ली थी मैंने छुट्टी, उसके बाद फिर मैंने नहीं ली। मैं कर रही थी अपना काम, मंडे को भी मैंने किया था, मीटिंग्स वगैरह कम ही ले रही हूँ मैं, बट हाँ काम मैं अपना कर रही हूँ। यूट्यूब की बात करूँ तो अभी टाइम लगेगा, विकास आ जाए तो शायद थोड़ा सा हौसला बंधेगा, कुछ करने का मन करेगा। ऑब्वियसली काम तो करना ही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है, वी हैव सो मच इन आर प्लेट के काम तो खैर हम छोड़ नहीं सकते। और पापा भी कभी नहीं चाहेंगे कि हम इस तरह से मायूस होके छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। बट वही है कि आ जाए विकास तो थोड़ी सी हिम्मत बंधे, कुछ करूं। पर हम, 2 वीडियोस हैं मेरे पास ऑलरेडी। अद्वी का बर्थडे था ना 15 फैब का, तो तब मैंने रिकॉर्ड करी थी, एडिट भी कर ली थी वो वीडियोस। मैंने 16 को ही एडिट कर दी थी, यही था कि 17 को आई थिंक वीडियो जानी थी कि उस दिन डाल दूंगी, पर सुबह सुबह ऐसा हुआ कि फिर तो कुछ होश ही नहीं रहा। तो 2 वीडियोस हैं वो मेरे पास तब की, जब होप थी कि पापा चलो बस हॉस्पिटल में घर आ जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। तो शायद वो 2 वीडियोस मैं डाल दूं, उसके बाद आई डोंट नो कि फिर मैं लगातार डाल पाऊंगी या फिर गैप होगा, भगवान जाने, इट विल डिपेंड। बट नाउ आई एम जस्ट वेटिंग कि एक बार विकास आ जाए, 2 वीक्स हो जाएंगे उनको कि वो आ जाए, देन विल थिंक। बट वो 2 वीडियोस मैं इसके बाद डाल दूंगी। अद्वी के बर्थडे वाली कुछ कुछ बनाया भी था, ज़्यादा कुछ नहीं किया था क्योंकि मन नहीं था, बट वही है कि बच्चे का बर्थडे था सो वी डिड समथिंग एंड आई रिकॉर्डेड एज वेल एज यूजुअल हर साल की तरह। तो वो 2 वीडियोस मैं डाल दूंगी, तो आपका मन करेगा तो आप देख लेना। बाकी तो बस यही है, यही लाइफ है। ठीक है, मिलती हूँ आपसे। आप लोग अपना ध्यान रखना।